हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है द 15 मिनट वोकैब सेशन के अंदर। चलो शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री के अंदर सवाल आया है अपने पास में सिनोनिम्स को लेकर के। ये अपने टीयर वन के 2003 में एसएससी सीजीएल में आ चुका है सवाल। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है लुमिनस वर्ड का अपने से सिनोनिम। और हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, हम इस सीरीज के अंदर हर ऑप्शन में मेन वर्ड के साथ साथ में हर ऑप्शन में दिए गए शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे वोकैब के एंगल से। तो भाई पहला अपने को वर्ड मिल रहा है लुमिनस। लुमिनस का पूछ रहा है अपने से सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। लुमिनस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है चमकदार, है ना, प्रकाशमान। ऐसी कोई चीज जो अंधेरे में बहुत ज्यादा उजाला छोड़ रही हो, इतना उजाला कि वो बहुत ब्राइटली चमक रही हो, उसको अपन बोलते हैं लुमिनस। ठीक है, तो फिर पकड़ते हैं फटाफट से वर्ड को। वर्ड अपने को मिल रहा है कौन सा, लुमिनस। लुमिनस से शुरू करते हैं कहानी। तो मेन वर्ड हमारा क्या बोल रहा है अपने को, लुमिनस। लुमिनस का अपन पहले क्या देखेंगे, शाब्दिक अर्थ, मीनिंग क्या होगा। गिविंग ऑफ लाइट, ऐसी कोई चीज जो बहुत, है ना, रोशनी छोड़ रही हो, या फिर शाइनिंग ब्राइटली, ऐसी कोई चीज जो अपने आप में बहुत ज्यादा रोशनी छोड़ रही हो और बहुत ज्यादा चमक रही हो। चमक रही हो, इसमें खास बात जो ध्यान रखना है वो कौन सी बात है, ब्राइटली। एक बात तो अपन भूल ही गए, स्पेशली इन डार्क, अंधेरे में बहुत ज्यादा चमकती हुई चीज। शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है भाई, इस शब्द का हिंदी अर्थ है प्रकाशमान। अब आते हैं लल्ला, किस पर, हर वर्ड का पोस्टमार्टम, जिसके लिए आप 15 मिनट अपना यहां पर जाया करते हो, यहां पर अपना इन्वेस्ट करते हो, सॉरी जाया तो गलत वर्ड होगा। तो फिर इस वर्ड लुमिनस के अपने पास पर्यायवाची, पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं भाई, पर्यायवाची अपना है एक तो इसका रेडिएंट, ठीक है, फिर लस्टरस, फिर है इसका एक और वर्ड ग्लीमिंग, ब्राइट। इसके अपने कुछ जो है वो पर्यायवाची, फिर बोलूं तो विनोद, शाइनिंग, चमकदार, चमचमाता हुआ, चमचमाता हुआ तो नियर मीनिंग के अंदर डैजलिंग भी इसका जो है वो प्रॉपर बनेगा। फिर आते हैं इसके एंटोनिम पर। एंटोनिम मतलब क्या हुआ, चमकदार का उल्टा क्या होगा, बिना चमक का। बिना चमक का तो एक वर्ड तो बहुत कॉमन बनता है, कौन सा हमारा, डल, है ना, अंधेरा बन जाएगा इसका दूसरा, राइट। चमकदार का कम चमक, चमक वाला डिम, और नियर मीनिंग के अंदर इसका बन सकता है कौन सा, बन सकता है ऑब्स्क्योर। तो फटाफट से भाई जल्दी से लिखते हुए चलो, हमारा जो मेन वर्ड अपने को दिया गया था इस सवाल के अंदर लुमिनस। लुमिनस वर्ड का मतलब क्या होता है, चमकदार, चमकीला, उज्जवल, उजाले से भरा हुआ। और लास्ट में अपन एक वर्ड लिखा है खास तौर पर, कहां पर, अंधेरे में ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा रोशनी छोड़ रही हो, गिविंग ऑफ लाइट एंड ब्राइटली, सॉरी शाइनिंग ब्राइटली। नोट कर डाला, चले बाबू। तो ये है अपने इसके कुछ काम के वर्ड्स, है ना। अब आते हैं ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करने पर। तो भाई फर्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, इंप्यूडेंट, बहुत काम का वर्ड है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन में जो अपने को वर्ड दिया जा रहा है उस पे आते हैं, तो उस पे आता हूं। तो इंप्यूडेंट की अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो डिक्शनरी मीनिंग होगा Not showing due respect to other person, सही रहेगा ना, हाँ ठीक है।
और इसका अदर मीनिंग भी बनता है जिसको अपन देखेंगे। खैर, इम्प्यूडेंट का अगर अपन हिंदी मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो फिर इसका हिंदी मीनिंग जो है, जो यहाँ पर अपने को काम में है, कौन सा? बेशर्म, है ना, बेशर्म, या फिर यह है अपना हिंदी मीनिंग। फिर आता हूं सिनोनिम के ऊपर। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? बेशर्म, बेशर्म गुस्ताख। तो काम का वर्ड कौन सा? इंसोलेंट। बेशर्म होगा तो नियर मीनिंग रूड, बेशर्म होगा तो ब्रेजन भी सही है, बेशर्म होगा तो क्या होगा, बोल्ड भी इसका नियर मीनिंग में आ सकता है, और शेमलेस तो बहुत बहुत कॉमन सा वर्ड है भाई। बात करते हैं इसके एंटोनिम के बारे में, तो बेशर्म का विलोम क्या होगा लल्ला? पोलाइट। बेशर्म का नियर एंटोनिम के अंदर रेस्पेक्टफुल भी हो सकता आ सकता है, हम्बल, हम्बल विनित, मॉडेस्ट भी इसके एंटोनिम में बनता है भाई। तो जल्दी से नोट करो, हमारा पहले दिए गए ऑप्शन का पोस्टमार्टम, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसमें बिल्कुल शर्म नाम की चीज ही नहीं हो, तो हमारा वहां पर वर्ड बनता है, और उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके सामने स्क्रीन पर। फिर देखते हैं तीसरा वर्ड कौन सा था हमारे पास में। तीसरा वर्ड था अपने पास, सॉरी सेकेंड ऑप्शन वर्ड था स्ट्राइडेंट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास वर्ड है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट के अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करें, है ना, तो लाउड, ऐसी कोई भी चीज बहुत तेज हो और कानों में चुभने वाली हो तो हार्श। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो विनोद, तेज। इसके अगर हम सिनोनिम्स के बारे में, चलो भाई छोटे से छोटे कम समय के अंदर पूरा पावर पैकेज है आपके लिए, ये छोटा बॉम्ब एकदम धमाके वाला। सिनोनिम्स में आता हूं दोस्तों, तो इसका तीखी तेज आवाज, तेज आवाज जो एकदम कान के पर्दे फाड़ दे, श्रिल, हार्श, जारिंग, कानों में चुभने वाली, तो पियर्सिंग इसका नियर सिनोनिम बन सकता है, और स्क्रीचिंग भी इसका नियर सिनोनिम बनेगा। फिर आता हूं इसके एंटोनिम के ऊपर। इस वर्ड का एंटोनिम अगर कानों में चुभ रहा है तो एंटोनिम बन सकता है भाई मधुर, मधुर चीज जो है वो कानों में चुभती नहीं है। तेज का फिर नियर एंटोनिम में सॉफ्ट बन जाएगा, तेज का नियर एंटोनिम में फिर हमारा स्मूथ बन सकता है आराम से, जेंटल भी इसका नियर एंटोनिम बन सकता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारे सेकंड वर्ड का पोस्टमार्टम। आगे बढ़ो फटाफट से, नोट करते हुए चलते हैं और आते हैं तीसरा ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन अपने को क्या मिलता है, मिल रहा था, जरा देखते हैं। चले, तीसरा ऑप्शन था ट्रांसेंडेंट। ओके, उत्कृष्ट, उत्कर्ष, उत्कर्ष का इंग्लिश वर्ड है भाई ये। तो तीसरे ऑप्शन में मिलने वाला वर्ड हमारा ट्रांसेंडेंट।
डिक्शनरी मीनिंग पे आऊं अगर इसके, तो फिर भाई डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या निकलता है, गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स, यानी सामान्य सीमाओं के परे। क्या बोला मैंने? सामान्य सीमाओं के परे। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो हिंदी मीनिंग उत्कृष्ट, उत्तम, या फिर सिंपल सा वर्ड बोले तो श्रेष्ठ, इसका हिंदी मीनिंग। फिर आता हूं ट्रांसेंडेंट का सिनोनिम के ऊपर। सिनोनिम के ऊपर आता हूं तो उत्कृष्ट का सिनोनिम असामान्य सीमाओं के परे, सामान्य सीमा के परे तो सरपासिंग, सरपासिंग इसके अलावा सामान्य से हटकर, सामान्य से हटकर तो बना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर और क्या पॉसिबल है? सबलाइम भी पॉसिबल है। फिर अगर बात करें तो इस दुनिया से, सामान्य से परे तो मेटाफिजिकल भी पॉसिबल है इसका सिनोनिम। एंड अगर हम बात करें इसके विलोम के बारे में तो सामान्य, सामान्य से हटकर, सामान्य से हटकर के तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो इसमें बन जाएगा ऑर्डिनरी। सामान्य है तो सामान्य के लिए कॉमन भी इसका एंटोनिम है। सामान्य है तो नियर मीनिंग के अंदर मंडेन और इन्फीरियर इसका दोस्तों नियर मीनिंग के अंदर बन जाएगा। ठीक है, नियर मीनिंग के अंदर। तो जल्दी से नोट करते हुए चलो, तीसरे वाले वर्ड का हमारा ये पोस्टमार्टम है। तीसरे ऑप्शन में दिए गए वर्ड का हमारा ये पोस्टमार्टम है, है ना। एक क्वेश्चन से अपने चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, गौर कर रहे हो? एक क्वेश्चन से अपने चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और चार ऑप्शन में से दिए हुए वर्ड को लेकर के कम से कम 30-35-40 वर्ड्स हमारे तैयार हो रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपके जो है सजेशंस जरूर जानना चाहूँगा कि भाई आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्या। हाँ, कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ा सर वर्ड्स की लिमिट्स और बढ़ा दो, लेकिन मेरे ख्याल से पर डे 30-40 वर्ड्स का अगर अपन लेके चल रहे हैं कोटा तो ये अच्छा है। अगर आप पर डे 30-40 वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ये मोर देन बेटर, मोर देन इनफ है, ये है ना। अपने एग्जाम के हिसाब से नहीं, किसी भी एग्जाम के हिसाब से 30-40 वर्ड्स सफिशिएंट है। 40 वर्ड्स इन अ डे, महीने का कम से कम 1000 वर्ड बनता है, संडे छोड़कर बात हम करें तो महीने का 1000 वर्ड बन रहा है। 5 महीनों के अंदर 5000 वर्ड, बहुत अच्छा टारगेट है ये, बहुत बहुत अच्छा टारगेट है ये, है ना। इसलिए तो आज की तारीख में भाई हमने कौन कौन से वर्ड जाने, चमकदार, चमकदार के अगर मैं आंसर के बारे में बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, रेस्प्लेंडेंट इसका जो है वो आंसर होगा। सामान्य से हटकर नहीं, स्ट्राइडेंट बेशर्म, सॉरी जो है वो सामान्य से हटकर अपना रेस्प्लेंडेंट इसमें ऐड करता हूं मैं। कहां गया? ल्यूमिनस में ना, इसी में इसको मैं ऐड कर देता हूं। ताकि इसकी लिस्ट में आप लोग भी इसको ध्यान रखो कि हाँ सर इसका ये बनता है। ठीक है लल्ला। तो फिर बेशरम नहीं, तेज आवाज वाला, एकदम कानों में चुभने वाला नहीं, ट्रांसेंडेंट उत्कृष्ट नहीं, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो जाने से पहले मैं ही कहूंगा कि आपके सुझाव, आपके विचार मुझे जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशंस जरूर बताइएगा और अप्रिसिएशन करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ फोर्थ पार्ट में, टिल देन थैंक यू सो मच।